हेलो फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से नया और इम्पोर्टेंट अपडेट आ गया है। और यह जो अपडेट है, नोटिस है, उसको मैं अभी आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ। तो क्या है, तो यह है स्किल टेस्ट फॉर कम्बाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2019। तो यह है 2019 के जो CHSL एग्जाम हुआ था उसी का स्किल टेस्ट को लेकर के यह अपडेट है। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर है स्किल टेस्ट फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ CHSL 2019 विल बी कंडक्ट ऑन 3/11/2021, यानी कि 3 नवंबर 2021 को यह पूरे भारतवर्ष में इसका स्किल टेस्ट होगा जो भी स्टूडेंट्स पास किए हैं CHSL 2019 का एग्जाम में। तो इसमें है कि फॉर टाइपिंग टेस्ट ए मास्टर टेस्ट पैसेज ऑफ अबाउट 1750 की डिप्रेशन इन इंग्लिश एंड 1500 वर्ड्स इन हिंदी विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो इसमें जो है वह 1750 की डिप्रेशन रहेगा इंग्लिश में, जो कि एक मास्टर टेक्स्ट पैसेज रहेगा, और 1500 यानी कि 1500 वर्ड्स जो रहेगा हिंदी में वो भी आपकी स्क्रीन में दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे कह रहा है कैंडिडेट्स कैन ओनली टाइप द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ वर्ड्स गिवन इन द मास्टर टेक्स्ट पैसेज। तो यहाँ पर जो है कैंडिडेट्स अपना जो है टेक्स्ट पैसेज दिया हुआ रहेगा उसी का उतना ही नंबर का जो है वर्ड्स उसी को लिखना है। साथ साथ यहाँ पे कह रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक की फॉलोज बाई स्पेस इच टर्म एज वन वर्ड। तो यहाँ पर जो है अल्फा न्यूमेरिक कोड का अगर यूज करेंगे तो उसमें से वह एक वर्ड की तरह से इसको काम करेगा, ये भी आपको यहाँ पे बताया गया। साथ साथ यहाँ पे अगला जो है उसको देखते हैं, तो आफ्टर टाइपिंग गिवन नंबर ऑफ वर्ड्स इन द मास्टर टेक्स्ट पैसेज द स्पेस बार विल नॉट अलाउ फर्दर टाइपिंग ऑफ एडिशनल वर्ड्स। तो यहाँ पर जो है वो जो टेक्स्ट पैसेज दिया रहेगा उसमें स्पेस बार जो है वह काम नहीं करेगा एडिशनल तौर पर। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर 500 वर्ड्स इन द मास्टर पैसेजेस कैंडिडेट्स कैन टाइप ओनली 500 वर्ड्स एंड आफ्टर दैट स्पेस बार विल नॉट अलाउ द कैंडिडेट्स टू टाइप एनी एडिशनल वर्ड। तो यहाँ पर है कि अगर 500 वर्ड्स का लिखना है मास्टर टेस्ट पैसेज उसमें, और आप लोग अगर 500 वर्ड्स टाइप कर दिए हैं तो उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि स्पेस बार देंगे तो स्पेस बार यहाँ पर काम नहीं करेगा, ये भी कह रहा है। हाउएवर कीबोर्ड विल नॉट अलाउ द कैंडिडेट टू कंटिन्यू टाइपिंग विदाउट यूजिंग द स्पेस बार। उसके अलावा मैं यहाँ पर ये जो है स्पेस बार वह यहाँ पे काम नहीं करेगा, यह भी कह रहा है इसी अपडेट में। इसके अलावा में है उसको देखते हैं, इन केस कैंडिडेट्स टाइप एडिशनल वर्ड्स रॉन्ग वर्ड्स देयर बाय एग्जॉस्टिंग द अलाउड नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर कंप्लीटिंग द मास्टर टेक्स्ट देन दे मे यूज एरो की बैक स्पेस की टू करेक्ट रॉन्गली टाइप्ड वर्ड्स और रिमूव एडिशनल टाइप्ड वर्ड्स बिफोर प्रोसीडिंग टू कंप्लीट द मास्टर टेक्स्ट। तो यहाँ पर है कि आपने अगर जितना भी लिखने के लिए कहा गया था मास्टर टेक्स्ट पैसेज में उसका लिख ले हैं और कहीं पर कुछ गलती हो जाता है तो फिर आप लोग वहाँ पर एरो की बैक स्पेस की से जा करके उस सारी चीज़ों को सुधार सकते हैं, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कैंडिडेट्स में नोट द प्रिंट आउट ऑफ द टाइप्ड टेस्ट विल नॉट बी टेकन आफ्टर द स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट। तो यहाँ पर है कि आप लोग प्रिंट आउट को नहीं ले सकते यहाँ पर अगर स्किल टेस्ट हो जाने के बाद में। दूसरा है कैंडिडेट्स फॉर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट आर एडवाइज टू चूज इंग्लिश US एज देयर ऑप्शन। तो इंग्लिश में जो भी टाइपिंग करने वाले हैं वे लोग अपना US इंग्लिश को ही चूज करेंगे। इसके बाद है कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर हिंदी टाइपिंग टेस्ट शुड चूज द टाइपिंग टेस्ट की बोर्ड लेआउट एज हिंदी इनस्क्रिप्ट हिंदी कुर्तदेव हिंदी रेमिंगटन गेल एंड हिंदी रेमिंगटन CBI। तो जो भी कैंडिडेट्स हिंदी के टाइपिंग करने वाले हैं हिंदी टाइपिंग में वे लोग यहाँ पर अपना जो चूज करना होगा वो हिंदी स्क्रिप्ट हिंदी कुर्तदेव हिंदी रेमिंगटन गेल और हिंदी रेमिंगटन CBI को चूज करके अपना टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा है कि ए डेमो वीडियो फॉर द सेड टाइपिंग टेस्ट हैज बीन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट कमीशन इन द कैंडिडेट्स कॉर्नर फॉर द बेनिफिट ऑफ द कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर इसका लिए एक डेमो वीडियो भी आप लोगों के लिए वेबसाइट में डाला गया है, तो आप लोग कैंडिडेट्स कॉर्नर में जा करके देख सकते हैं, वहाँ से जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर लाभ मिल जाएगा। यहाँ पर उसके बाद है ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स रिक्वायरिंग एक्स्ट्रा टाइम हैव बीन एलोटेड इन ऑल द शिफ्ट। तो यहाँ पर जो है उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा द ऑल शिफ्ट में, ये भी यहाँ पे कह रहा है इसमें। फिर अगला जो है वो क्या चीज़ है उसको देखते हैं, नोट कैंडिडेट्स हु आर एक्सेप्टेड फॉर दिस एग्जामिनेशन शुड रिफर द डिटेल्स गाइडलाइन इशू बाय द रेस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस वेबसाइट। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स जो पास किए उनको जो गाइडलाइन दिया जाएगा रीजनल ऑफिस की ओर से, उन सारी चीज़ों को भी यहाँ देखते हुए ध्यान में रखते हुए चलना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर सेक्रेटरी है 26 अक्टूबर 2021 का डेट है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, इसमें जो है आपको दिया गया नोटिस वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि ये थोड़ी सी मुश्किलें भी खड़ी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए
1750 की डिप्रेशन लिखना है इंग्लिश में, 1500 लिखना है हिंदी में, इसके अलावा जो है स्पेस बार वो आप लोगों का काम नहीं करेगा। ये सब सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है वह डेट है आपका 3 नवंबर 2021 को, ये इम्पोर्टेंट डेट है। तो यहीं पर होगा CHSL 2019 का एग्जाम, जो भी स्टूडेंट्स पास किए स्किल टेस्ट उन्हीं को लेकर के यह अपडेट है। तो SSC की ओर से यह अपडेट है।